गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुनेखा नाग। आज हम क्लास 7 के साइंस का टॉपिक है। हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं बदलाव, बदलना, किसी चीज़ का बदल जाना। ठीक है, हम आसपास आगे आगे पीछे हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं हम लोग। जैसे बर्फ़ पड़ गई, बर्फ़ से वाटर बन गया, और दूध है हमारे घर में डेली यूज में, दूध दूध कभी कभार फट जाता है। दूध से क्या बन जाता है? पनीर बन जाता है, हम दूध से दही बनाते हैं। दीज आर चेंजेस। अब हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज। एवरीडे वी कम अक्रॉस मैनी चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस ऑल अराउंड अस। हम हर दिन अपने आसपास जो है बहुत सारी चेंजेस देखते हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। इन चेंजेस में क्या होता है, एक सब्सटेंस से ही बहुत सारे सब्सटेंस बन जाते हैं। समटाइम मिल्क बिकम्स सोर, कभी कभार क्या होता है दूध खट्टा रहता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज। वो मिल्क जो है, दूध जो है वो खट्टा होकर फट जाता है, उसमें से पनीर निकल के आता है, उसे हम कहेंगे चेंज। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज ए चेंज। पानी, पहले शुगर होता है, शुगर को हम पानी में मिक्स करते हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, देन चेंज हो गया, मीठा हो गया पानी। सिमिलरली सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए चेंज। दूध से ही क्या बन जाता है आपका, दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है, दूध बिल्कुल जम जाता है। दूध पहले लिक्विड होता है, बाद में कर्ड होकर थोड़ा सा सॉलिड में आ जाता है, इसे हम, ये भी एक चेंज हो गया। सम चेंजेस दैट वी हैव नोटिस अराउंड अस आर मेल्टिंग ऑफ आइस, मेकिंग ऑफ आइसक्रीम, वेपोरेशन ऑफ वाटर एट्सेट्रा। ठीक है, कुछ चेंजेस जो हम अपने आसपास नोटिस करते हैं, आइस का पिघल जाना, आइसक्रीम बनना, और पानी का इवेपोरेट होना। पानी का जब बहुत ज़्यादा गर्म है, हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़े में पानी होता है बहुत सारा, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते हैं वो पानी नहीं होता है कपड़ों के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो कहाँ वो इवेपोरेट हो जाता है, वो भी एक चेंज है। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड। दो तरह की चेंजेस होती हैं, एक फिजिकल चेंज होती है, एक केमिकल चेंज होती है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, खाली उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, मीन्स रहा वाटर ही, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। आपने वाटर वाइट कलर का है, मान लो वाटर कलर लेस है, उसमें जैसा भी कलर डालेंगे वैसा बन जाएगा, तो वो फिजिकल चेंज आ गई। सिर्फ शेप, साइज और कलर चेंज होता है, लेकिन क्या है, सब्सटेंस वही रहता है। फिजिकल प्रॉपर्टी सच है शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल। सब्सटेंस वही रहा, वाटर ही रहा, लेकिन उसका क्या होगा, शेप, साइज एंड कलर चेंज हो गया, उसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। खाली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, ना कि सब्सटेंस चेंज हुआ है। एग्जाम्पल आज का आपका है बॉयलिंग वाटर। पानी को हमने बॉयल किया, पानी बॉयल करके वो इवेपोरेट हो गया, लेकिन रहा तो वो वाटर ही, खाली उसका क्या चेंज हो गया, वो उसका साइज या शेप चेंज हो गई उसकी। मेल्टिंग एन आइस क्यूब, एक आइस क्यूब है वो मेल्ट हो गया, वो वाटर बन गया, उसका साइज चेंज हो गया, पहले वो क्यूब में था बाद में वो फ्लैट हो गया। नाउ केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच वन आर मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज अ केमिकल चेंज। कोई सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस से नया सब्सटेंस बन जाता है, उसे हम कहेंगे केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में खाली प्रॉपर्टी चेंज हुई है, केमिकल चेंज में सब्सटेंस ही चेंज हो जाता है। अ केमिकल चेंज इन विच सब्सटेंस इज अंडरगोज अ चेंज इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, और केमिकल में केमिकल प्रॉपर्टीज, मीन सब्सटेंस ही बदल गया आपका। एग्जाम्पल आपकी इसमें आती है बर्निंग वुड। जब हम लकड़ी को जलाते हैं, पहले वुड होती है, जब हमने जलाया उसको वो बन गई राख बन जाती है। ठीक है, जब राख बन गई तो क्या हुआ, उसको केमिकल चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ एन आयरन, पहले हम लोहा लेके आते हैं, पहले क्या हुआ, जब उसको जंग लग जाती है, देन वो ब्राउन कलर का आता है वो, और वो कटना शुरू हो जाता है, अपनी जगह से टूटना शुरू हो जाता है, तो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस वो बन जाता है। ठीक है, ये हुआ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज, शेप, साइज और कलर चेंज हो जाता है, और केमिकल चेंज में सब्सटेंस ही बदल जाता है, एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बन जाता है। तो बच्चों, ये था आज का आपका कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज के इंट्रोडक्शन।